हमारे देश में गरीबी के ऊपर, हमारे देश में भुखमरी के ऊपर, हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर, हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करी जाती। ले दे के कोई मुद्दा रह जाता है तो वो हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, क्यों आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो वो सही नहीं है। और हिंदू राष्ट्र क्या है सर? हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया? हिंदू राष्ट्र हमारे, क्या हमारे संविधान की कोई औकात नहीं रह गई है अब? मुझे जहाँ तक लगता है पिछले 6 सालों से और शायद पहले से भी बीजेपी जो पावर में आई वो शुरू से राम मंदिर मस्जिद को लेके उनका हमेशा से मुद्दा रहा है, जिसकी वजह से, जिसको उन्होंने बढ़ावा दिया और उसी की वजह से वो पावर में आई। और शायद इसी, ये पावर में आने के बावजूद इसी मुद्दे को वो आगे तक लेके जाना चाहती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब उनके पास, और आज राम मंदिर वाला उन्होंने मुद्दा ख़त्म कर दिया है, तो उनको शायद क्योंकि टिके रहना है इसीलिए वो अभी भी उसी मुद्दे को लेके चल रहे हैं। और उनका वो टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, वो टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, इस तरह के बिल्स लाके वो टारगेट करेंगे। और शायद जो आसाम में हो भी रहा है कि डिटेंशन सेंटर्स में लेके जाया जा रहा है उन लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और उनको मारा जा रहा है, तो इससे ज़्यादा इनह्यूमैनिटी कोई नहीं हो सकती। आप पावर में रहने के लिए आप बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। मैं हर बार, जितनी बार भी मेरे आज तक इंटरव्यूज हुए हैं, मैंने हमेशा एक ही बात बोली है कि जब ये देश बना था, जब ये देश आज़ाद हुआ था, एक बात पहले से तय हो गई थी कि इस देश में जितने भी मुसलमान हैं जो यहाँ रह गए हैं उनको हमेशा उसी नज़र से देखा जाएगा जिस नज़र से हिंदू को देखा जाता है। ये देश उन सबका होगा, जिस तरह से वो एक हिंदू का है वैसे ही वो एक मुसलमान का होगा, वैसे ही सिख का और वैसे ही ईसाई का। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म संविधान में इसीलिए रखा गया है और इसी बेसिस पर हमारा देश हमेशा चला है और हम सब मिलजुल कर रहे हैं। मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरे पड़ोस में हम लोग सब, हम हमेशा खुशी से रहे हैं एक दूसरे के साथ। हमने कभी इस तरह से देखा ही नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म के हैं, ये किसी दूसरे धर्म के हैं। हमारे लिए यही हमेशा एक खुशी की बात रही है कि हाँ, हम सब एक हैं। तो क्यों ये जो अंग्रेज़ों ने किया वही क्यों ये लोग करना शुरू कर रहे हैं? इन्होंने क्यों डिवाइड एंड रूल करना शुरू किया? क्योंकि ये जानते हैं कि ये इसके अलावा और किसी मुद्दे पर इस देश का, देश पे रूल नहीं कर सकते। और यही रीज़न है उन्होंने, अभी तक इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मॉब लिंचिंग्स ले लीजिए आप, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज। मैं इवन राम मंदिर के लिए भी ये बात बोलूँगी कि राम मंदिर के लिए भी, जब कल 6 दिसंबर था, कल ही वो दिन था जब राम मंदिर के, बाबरी मस्जिद वाला उसको ढहाया गया था, और उसकी वजह से कितने सारे लोगों की मौत हुई। क्या कभी किसी इंसान ने ये सोचने की कोशिश की है कि भगवान और अल्लाह के नाम पर आप लोगों को मार रहे हो? इससे ज़्यादा इनह्यूमन और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हमारे देश में मुद्दों के ऊपर बात नहीं की जाती? हमारे देश में गरीबी के ऊपर, हमारे देश में भुखमरी के ऊपर, हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करी जाती? ले दे के कोई मुद्दा रह जाता है तो वो हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, क्यों, किस लिए? और अब अभी भी आप लोगों का पेट नहीं भरा ये सब करने के बाद, इतने लोगों को मरवाने के बाद। 2002 का आपने इतना बड़ा कांड किया गुजरात में, गोधरा कांड हुआ, कोई नहीं जानता कि गोधरा कांड भी एक पॉलिटिकल एंगल था। 2002 में जो आपने दंगे कराए वहां पर इनोसेंट बच्चे और इनोसेंट औरतों को आपने मारा। अगर आपको पकड़ना था जिन्होंने ट्रेन जलाई, आप उनको पकड़िए और उनको मारिए। आप एक कॉलोनी में जाकर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस धर्म के लोग हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को और आप औरतों को मार रहे हैं? इससे ज़्यादा इनह्यूमन चीज़ कोई नहीं हो सकती। और उसके बाद लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे कॉजेज़ को, लोगों के अंदर इतनी नफरत भर चुकी है आज की डेट में कि वो सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेप्स हो रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जीडीपी हमारी कहाँ पहुँच गई है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं, लोग हॉस्पिटल के बाहर अपना दम तोड़ रहे हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स ही नहीं है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एजुकेशन सिस्टम की बैंड बच चुकी है। आप लोग JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ को, वहाँ की फ़ीस का आपने क्या हाल कर दिया है कि वो बच्चे सड़कों पे आ गए हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कर क्या रहे?
रहे हैं, आपने आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, ये सरकार करना क्या चाहती है, क्या कर रहे हैं वो, ये क्या है, क्यों, किस लिए आप ये बिल पास करेंगे? 370 हटा दी, राम मंदिर बन गया, अब कितने बड़े-बड़े अहम मुद्दे सुलझा दिए। अहम मुद्दा, आप मुझे एक बात बताइए, आपको 370 हटाना था, 370 कहाँ लगा हुआ था आप मुझे बताइए, कश्मीर? क्या आपने 370 हटाने से पहले जिन जिन लोगों जो लोग वहाँ रहते हैं उनसे एक बार बात करना ज़रूरी समझा, उनका हाल पूछना ज़रूरी समझा कि वो क्या क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किन किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या आपने वो जानने की कोशिश की? आपने वहाँ भी आप इनह्यूमन बनके आपने सब कुछ उनका बंद कर दिया, आपने इस नाम पर कि हमें हम टेररिज्म ख़त्म करना चाहते हैं, हम उनको अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये अच्छी ज़िंदगी है किसी को आप बंद करके उनका उनके उनकी इंटरनेट, उनकी फ़ोन सर्विसेज, जो उनके लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं जो दिल्ली या दूसरी जगहों पर पढ़ लिख रहे हैं, उन लोगों को आप भी जानते हैं कितना कितना टाइम हो गया था कि वो बात तक नहीं कर पाए उन लोगों से, तो आप मुझे बताइए कहाँ से इसको आप ह्यूमैनिटी कहेंगे? क्या किया उन्होंने 370 हटा के, हुआ क्या उससे? ऋचा जी, आपने कहा कि ये जो CAB और NRC के जरिए माइनॉरिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और डिवाइड एंड रूल की जो है राजनीति पॉलिटिक्स जो है सरकार कर रही है, लेकिन BJP सरकार की तरफ से तो ये कहा गया था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबका विश्वास जीता जाएगा, तो फिर आज ये हालात क्यों? सर, सबका साथ सबका विकास, ये विकास, सबसे पहले मैं विकास वर्ड आप बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए विकास हुआ कहाँ है, सिवाय अदानी और अंबानी के विकास हुआ कहाँ है, विकास किस जगह पे हुआ है आप मुझे बताइए, सिवाय जो कुछ बिजनेस पीपल जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वो लोग हैं जो यहाँ से जिन्होंने इंडिया से पैसा लिया और वो धड़ाधड़ बाहर भाग गए, चाहे वो विजय माल्या जी हों, चाहे वो नीरव मोदी जी हों, आपने विकास उनका किया है, आपने हमारा विकास नहीं किया, अगर हमारा विकास किया होता तो विकास नज़र आता। आप मुझे बताइए सर, मुसलमानों को आप इस कंट्री से निकाल कर या डिटेंशन सेंटर्स में डालकर आप उसको कैसे विकास कहेंगे? सबका मतलब क्या होता है, उनका सबका से मतलब क्या है, क्या सबका से मतलब सिर्फ हिंदू है? सबका में वो सारे लोग शामिल नहीं होने चाहिए जो इस देश के सिटीजन्स हैं, जो इस देश में रहते हैं, जिस उन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश में? आज मुझे बताइए आप, क्या ये देश सिर्फ हिंदुओं की वजह से चल रहा है? क्या आप जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब आप मर रहे होते हैं, आप ये पूछते हैं वहाँ जाकर कि ये डॉक्टर मुसलमान है या हिंदू है, या ये जो ब्लड मुझे चढ़ रहा है ये हिंदू का ब्लड है या ये मुसलमान का ब्लड है? इस देश में हर उस इंसान का कंट्रीब्यूशन है जो इस देश में रहा है इतने सालों से, आप ये भूल नहीं सकते। क्या पुलिस फोर्स में क्या सिर्फ हिंदू हैं? क्या मिलिट्री में क्या सिर्फ हिंदू सर्व करते हैं? क्या मिलिट्री में जब आप जाते हैं और जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं, क्या उसमें सिर्फ हिंदुओं ने उसको अंजाम दिया था, मुसलमानों ने नहीं दिया था? इसलिए ये बात मत बोलिए आप, सबका साथ सबका विकास, उन्हें साथ सबका चाहिए पर उन्हें विकास नहीं करना सबका। अगर उन्होंने विकास करना होता तो अब तक नजर 6 साल हो गए हैं यार। क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ जो है अब तेजी से काम हो रहा है? लगता तो ऐसा ही है, वो शायद यही करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से इस तरह के बिल्स पास कर रहे हैं, आपके लिए जो बिल्स पास करने चाहिए थे आप उनकी तरफ काम नहीं कर रहे हैं। आपने एक बार भी बढ़ते हुए रेप्स के लिए एक भी बिल पास नहीं किया संसद में, आप धड़ाधड़ ऐसे बिल्स पास कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? जो आप मुझे बताइए, बिल्स तो जो पास हो रहे हैं, आप डिटेंशन सेंटर्स में लोगों को ले जाके मार रहे हैं। इससे अगर आप हिंदू राष्ट्र बना भी देंगे तो आप क्या अचीव कर लेंगे? किसी की मैं जिस तरह से मैंने राम मंदिर वाले केस में भी बोला कि किसी लाशों पे रख के अगर आप मंदिर या मस्जिद बनाएंगे तो वो सही नहीं होगा, उसी तरह से अगर लाशों के ऊपर पाँव रख के आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो वो सही नहीं है। और हिंदू राष्ट्र क्या है सर? हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया? हिंदू राष्ट्र हमारे संविधान की कोई औकात नहीं रह गई है? अब आप मुझे बताइए, संविधान में क्या लिखा गया है? धर्मनिरपेक्ष, ये देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? क्या ये देश सिर्फ हिंदुओं का बना हुआ है? क्या किस लिए हिंदू राष्ट्र बनेगा यहाँ पर? क्यों आप
आप लोग हर चीज में बोलते हैं नेशन फर्स्ट, मोदी जी हर बात पर बोलते हैं नेशन फर्स्ट। नेशन किससे बना है? क्या नेशन सिर्फ हिंदुओं से बना है? क्या तिरंगे में सिर्फ आपका भगवा रंग है, हरा रंग नहीं है? तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ ये थोड़े से लोग यहाँ पर नहीं होने चाहिए प्रोटेस्ट। शर्मा जी, आप खुद हिंदू हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश? मैंने आपको उसका जवाब दिया, मैं खुद हिंदू हूँ। पर मेरे घर में हमेशा से ये सिखाया गया है कि आप इंसान है पहले, आपका धर्म बाद में आता है, आप पहले इंसान है, आप इंसानियत सीखिए। और हमें हमारे घर में इंसानियत सिखाई गई है शुरू से। मेरे फादर ने हमेशा, मेरे फादर पार्टीशन के बाद यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी बहुत कुछ झेला था जब वो लाहौर में थे। उसके बावजूद हमारे घरों में मेरे फादर ने, मेरे ताया जी, मेरे जितने मेरे दादा दादी, उन लोगों ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई कि बेटा इंसान अच्छा और बुरा होता है, कोई धर्म अच्छा और बुरा नहीं होता। अगर लाहौर में हमारे साथ बहुत सी चीज़ें हुई वहाँ पर मुस्लिम्स ने की, तो यहाँ हिंदुओं ने भी मुस्लिम्स के साथ सिमिलरली वो किया, तो वो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। इंसान जो होता है वो अच्छा बुरा होता है। और शायद कुछ लोग होते हैं जो लोगों के बहकावे में आकर ऐसी चीज़ें करते हैं और वो नहीं समझ पाते इसके पीछे की क्या मंशा लगती है। आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या मतलब सूरत हालात देश के बदल जाएंगे, क्यों जरूरत पड़ रही है हिंदू? सर यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हिंदू राष्ट्र क्यों बने। क्या आपने 6 साल में क्या बदला है यहाँ पर? आपने 6 साल में कौन सी सिचुएशंस, कौन सी इकोनॉमी को राइज किया है? आपने क्या किया ऐसे? क्या रेप्स बंद हुए? रेप्स तो ज़्यादा बढ़े हैं। क्या, मैं अगेन आपको यही बोलूँगी, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हुई? क्या एजुकेशन बहुत अच्छी हुई? आपका जो ये शुरू से आपका एक ही एजेंडा रहा है मुसलमानों को लेके, आपने उससे क्या अचीव कर लिया? और हिंदू राष्ट्र बना के आप क्या अचीव कर लेंगे? आप एक जिस देश में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम हमेशा ये बोलते थे, वो एक जो है आप उसको खोएंगे, आप भाईचारे को खोएंगे। हिंदू राष्ट्र बना के आप कुछ अचीव नहीं करेंगे, आप इस देश की आत्मा को मार रहे हैं। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आप इस देश की, भारत देश की आत्मा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी की लाशों पे कोई भी राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र बनता है प्यार मोहब्बत से, राष्ट्र बनता है एकता से, राष्ट्र बनता है एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचने से, एक दूसरे के लिए अच्छा करने से। जब कोई इंसान, जब जो हुक्मरान है वो गलत कर रहे होते हैं, हम सबको एक साथ उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इंसान को सिर्फ इसी बात के ऊपर चलना चाहिए, बाकी सब चीज़ें बाद में है।